उधर रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में सीएम बघेल अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम बघेल ने मोवा में 1000 सीटर गारमेंट फैक्ट्री का भूमि पूजन किया। इस फैक्ट्री के बनने से क्षेत्र महिलाओं को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा सीएम बघेल ने रायपुर के माना कैंप में जल प्रदाय योजना का भूमि पूजन किया। इस योजना के तहत माना नगर पंचायत में 3200 घरों तक पानी पहुंचेगा। 44.5 करोड़ रुपए की लागत से करीब 27 महीने में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने करीब 167 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की भी सौगात दी। इस दौरान सीएम बघेल ने कमल विहार का नाम कौशल्य विहार करने का भी ऐलान किया। जितने भी हमारे पुराने ऐतिहासिक जितने धरोहर हैं उसको सजाने संवारने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ पहले नक्सलगढ़ के नाम से जाना जाता था, पहले लोग छत्तीसगढ़ आने से पहले ही डरते थे, हम लोग यहाँ से बस्तर जाने में डरते थे, आज शांति पूर्ण वातावरण है। विधानसभा क्षेत्र में आने वाले पीएसयूपी कॉलोनी में सीवर सिकेज चेम्बरों के सुधार आदि के लिए प्रति पीएसयूपी कॉलोनी होती 50-50 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा मैं करता हूँ।